मेरे साथ आए हुए डीन ऑफ कॉलेजेस, डीन इंजीनियरिंग प्रोफेसर धर्मेंद्र जी, श्री धारीवाल जी, यहाँ के सम्मानित प्राचार्यगण, आचार्यगण, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, प्रिय विद्यार्थियों, समाचार जगत से जुड़े बंधुओं, आज सबसे पहले क्योंकि ये महाविद्यालय आपका इंजीनियरिंग संस्थान पहली बार गुरुजंबेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एफिलिएट हुआ है, मैं आपको बधाई देता हूँ और संस्थान का स्वागत करता हूँ। मैं आभारी हूँ श्री कथुरिया जी का, जिन्होंने आज का दिन, क्योंकि आज गुरुजंबेश्वर विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस भी है, उन्होंने आज ही के दिन कल्चरल इवेंट्स के इस फेस्टो का आयोजन किया, इसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। जो विश्वविद्यालय का पार्ट होने के नाते, विश्वविद्यालय परिवार का सदस्य होने के नाते, उन्होंने आज ये आयोजन किया, मैं बहुत आभारी हूँ। और सबसे ज़्यादा आभारी हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का, यहाँ के टीचर्स का। आमतौर से टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हों, शहर में रहना, शहर की इंस्टीट्यूशंस को प्रेफर करते हैं, लेकिन एक खुले आसमान में, एक ग्रामीण परिवेश में, गांव की सोच में निश्चित रूप से एक राष्ट्रीयता झलकती है। महात्मा गांधी ने यही कहा था, अगर संपूर्ण देश का विकास चाहते हो तो शिक्षा संस्थाओं को शहर से गांव की ओर ले जाएं, खुले आसमान की ओर ले जाएं। यदि आप संपूर्ण साक्षरता अभियान को सफल बनाना चाहते हैं, महात्मा गांधी के कंट्रीब्यूशन में एक बहुत बड़ा योगदान है प्रणाम इंस्टीट्यूट का, इस संस्था का। और यहाँ आकर के जो कैंपस का लेआउट, जिस तरह से डिसिप्लिन यहाँ के स्टूडेंट्स का, यानी जो यूनिवर्सिटियाँ 40-40 साल की हैं उनके पास अपना ऑडिटोरियम नहीं है, इस संस्था ने सबसे अच्छा काम किया कि स्टूडेंट्स के लिए ऑडिटोरियम तैयार करवाया। और आज एजुकेशन